दोस्तों आज आप दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी कमाल की अमेजिंग और शानदार खेती करने वाली मशीनें, जो फसल लगाने से लेकर फसल काटने तक के हर काम को नई तकनीक से करती है। और दोस्तों वाकई में आज आपको इस वीडियो में पूरा मजा आने वाला है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फ्लावर हार्वेस्टर, दोस्तों ये मशीन खेत में खड़े हुए फूलों की फसल को तोड़ने का काम करती है। और अब वो फूलों की फसल चाहे गेंदे के फूल की हो, या फिर गुलाब के फूल की, या फिर किसी भी दूसरे फूल की, ये मशीन सभी फूलों के फसल को बड़े आराम से तोड़ती हुई सभी फूलों को खेत में एक साइड लाइन में डालती चली जाती है, और बाद में इन सभी फूलों को इन लाइनों में से उठा लिया जाता है। ई लाइन हेलीकॉप्टर, दोस्तों ये मशीन कितनी खतरनाक है आपको देखकर ही पता चल गया होगा। इस मशीन में 10 से 15 गोल कटिंग ब्लेड्स होते हैं, जो फालतू बढ़े हुए पेड़ों की छटाई करते हुए चले जाते हैं, और ये मशीन हेलीकॉप्टर की रस्सी की मदद से लटकी हुई होती है। इस मशीन से पेड़ों की सही कटिंग करने में हेलीकॉप्टर के ड्राइवर का बहुत बड़ा रोल होता है। पंपकिन सीड डिस्पर्सल मशीन, दोस्तों ये मशीन अपने नुकीले पहियों की मदद से खेत में पड़े सभी कद्दू को उठाकर उनको काटते हुए उनका बीज पूरे खेत में बिखेरती जाती है, और इस प्रकार ये मशीन कद्दू के बीजों को खेत में बिखेरने का काम करती है, और इसी तरह ये मशीन लौकी के बीज को भी बिखेरती है। शिडर मशीन, ये मशीन खेत में पड़े हुए अड़ह को अपने अंदर लेकर उसके परखच्चे उड़ा देती है और सारे अड़ह को साफ करती हुई ले जाती है। वेस्ले मशीन, ये मशीन खेत में बड़ी ही सफाई के साथ और बड़ी तेजी के साथ लाइन कुड बनाती हुई जाती है, और ये मशीन खेत में इसलिए कुड बनाती है ताकि आप बाद में खेत के अंदर गन्ना, आलू या कोई भी कुड फसल बो सकें। योक्स्टलर मशीन, खेत से फसल प्राप्त करने के बाद खेत में नई फसल उगाने के लिए, पिछली फसल की जड़ों को जमीन से खत्म करने के लिए और खेत की जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए ये पिलर खेत को बहाता जाता है। ये पिलर जरा सी देर में बड़ी सी बड़ी खेती की जमीन को बहा देता है। ट्री कटिंग मशीन, दोस्तों ये ट्री कटिंग मशीन बड़ी कमाल की है। इस मशीन में 3 बड़े बड़े गोल कटिंग ब्लेड्स होते हैं। ये कटिंग ब्लेड बड़े होने के साथ साथ बहुत तेज धार के भी होते हैं। इस मशीन के ब्लेडों के सामने पेड़ का कैसा भी टहना हो चुटकियों में कट जाता है, और ये मशीन जरा सी देर में पेड़ों के फालतू टहनियों को काटती चली जाती है। KBH हार्वेस्टर, दोस्तों इस मशीन में मजदूर गोभी तोड़कर मशीन में रखते रहते हैं, और ये मशीन अपने आप को भी गाड़ी तक पहुंचा देती है, और इस मशीन से गोभी को तोड़ने के लिए किसी मजदूर की जरूरत नहीं होती है। ये मशीन अपने आप बड़े आराम से गोभी को खेत से तोड़ती हुई बराबर में चल रहे ट्रक के अंदर डालती चली जाती है। ये मशीन बड़ी ही सफाई के साथ खेत से गोभी को तोड़ती है, और गोभी को तोड़ते समय गोभी के साथ जो पत्ते मशीन में आते हैं, ये मशीन गोभी के पत्तों को एक तरफ करके साफ फ्रेश गोभी को ट्रक में डालती जाती है। कैश्चा मशीन, ये मशीन ट्रैक्टर में लगाकर चलाई जाती है। ये मशीन खेत में फैले घास के कबाड़ को साफ करने के लिए काम में इस्तेमाल की जाती है। इस मशीन में 6 पंखड़ियां होती हैं, जो खेत के अड़ह को अपने अंदर झाड़ू लगाते हुए सारे अड़ह को साफ करते हुए लाइन में लगाती चली जाती है। प्योर कंबल हार्वेस्टर, दोस्तों पहले खेत से खीरे की फसल को तोड़ने में कई दिन लग जाया करते थे, लेकिन आज ये खीरा तोड़ने वाली मशीन खेत से कुछ ही सेकंड में खीरा तोड़ती चली जाती है, और खेत को जरा सा भी नुकसान नहीं होता। ये मशीन खेत से खीरे के पत्ते को हटाकर साफ और फ्रेश गीला अपने अंदर खींच लेती है, और फिर उस खीरे को ट्रक में भर देती है। ट्री रिमूवर मशीन, दोस्तों ये मशीन बहुत खतरनाक है। ये बड़े से बड़े पेड़ को जड़ समेत साफ कर देती है, और ये मशीन पेड़ के ऊपर अगर उतर जाए तो आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि इस जगह पहले पेड़ भी था। ये मशीन पेड़ों को सड़क से साफ करने के लिए काम में आती है। ऑरेंज हार्वेस्टर, यह है संतरे तोड़ने की मशीन। पहले पेड़ से एक संतरा तोड़ना बहुत भारी काम हुआ करता था, लेकिन इस मशीन ने संतरे तोड़ने का काम इतना आसान कर दिया है कि ये मशीन 1 मिनट में कई संतरे पेड़ से तोड़कर ट्रॉली में भरती चली जाती है। और इस मशीन में 8 से 9 सिंकों वाली पहिए की चक्री होती है, जो कि बड़ी सफाई से पेड़ों की डालियों में घुसकर संतरे को तोड़ती चली जाती है। स्ट्रॉबेरी हार्वेस्टर, दोस्तों ये है स्ट्रॉबेरी हार्वेस्टर मशीन। ये एक रोबोटिक मशीन है। इस मशीन में नीचे की ओर रोबोटिक हैंड होते हैं, जो कि स्ट्रॉबेरी को स्कैन करके पता लगाकर तोड़ते रहते हैं, और ये रोबोटिक मशीन रेड कलर की स्ट्रॉबेरी को तोड़ती है, और ये स्ट्रॉबेरी टूटने के बाद ऊपर बैठे एक वर्कर के पास आती रहती है, जो कि इन स्ट्रॉबेरी को उठाकर डब्बों में पैक करता रहता है, और ऐसे ही स्ट्रॉबेरी मशीन वर्क करती रहती है। फ्रूट्स हार्वेस्टर, दोस्तों ये भी एक फल तोड़ने की कमाल की मशीन है। इस मशीन को जिस पेड़ का फल तोड़ना होता है, ये मशीन उस पेड़ को नीचे से जकड़कर उस पेड़ के नीचे अपने कपड़े का जाल फैला देती है, और फिर ये मशीन पेड़ों को तेजी से कंपन देकर हिलाती है, जिससे पेड़ पर लगे पक्के फल इस मशीन में लगे कपड़े के नेट में गिरते रहते हैं, और ऐसे ये मशीन पेड़ के सभी फल आराम से तोड़ लेती है। टोमेटो हार्वेस्टर,
दोस्तों ये टोमेटो हार्वेस्टर टमाटर की पूरी बेल को अपने अंदर खींच लेती है और अपने अंदर टमाटर की पूरी बेल खींचने के बाद ये मशीन टमाटर की बेल को पीछे फेंकती रहती है और साफ टमाटर अलग कर लेती है। और ये मशीन इतनी तेजी से टमाटर को बेलों की पत्ती से अलग करती है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। और बाद में इन सभी टमाटर को ये मशीन एक ट्रॉली में भरती चली जाती है और ये मशीन जरा सी देर में टमाटर की पूरी ट्रॉली भर देती है। राइस हार्वेस्टर दोस्तों ये एक बहुत ही कमाल की मशीन है जिसने हमारे किसान भाइयों का काम बड़ा ही आसान बना दिया है। इस मशीन से खेत में खड़ी हुई मूंजी की फसल ये मशीन चुटकियों में काटती चली जाती है। और इतना ही नहीं, ये मशीन मूंजी को काटने के बाद उसका भूस फेंकती चली जाती है। और जब मशीन का टेन चावलों से भर जाता है तो ये मशीन सारे चावल को एक ट्रक में अलग ले जाकर डालती चली जाती है। और इस प्रकार इस मशीन से चुटकियों में खड़ी मूंजी की फसल से चावल प्राप्त कर लिया जाता है। जॉन टियर कटिंग मशीन, ये घास काटने की मशीन है। इस मशीन के अंदर चार कटिंग ब्लेड्स होते हैं। ये ब्लेड गोल चक्रे के आकार के होते हैं जो खेत में खड़ी बड़े से बड़े घास को चुटकियों में काटती चली जाती है। और देखिए ये मशीन इस समय कैसे चुटकियों में चने के पूरे खेत को साफ करती जा रही है। एटवेंग्रिंगो मशीन दोस्तों ये मशीन पेड़ों के ब्रांचेस काटने के काम आती है। ये मशीन ऊंचे से ऊंचे पेड़ों पर तेजी से चढ़ते हुए सेकंडों में पेड़ों के टहनियों को काटती चली जाती है। और इस मशीन से ये काम इतनी तेजी से निपटता है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। चेयरनिंग ब्रश दोस्तों ये एक क्लीनिंग मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई के लिए किया जाता है। इसमें दो पावरफुल ट्रक्स के बीच में एक लंबी मोटी लोहे की चेन बंधी होती है और जैसे जैसे ट्रक को आगे की तरफ चलाया जाता है तो बड़े से बड़ा जंगल का एरिया पेड़ों से लगा कुछ ही मिनटों में साफ हो जाता है। शुगर केन हार्वेस्टर दोस्तों ये है गन्ने को खेत से काटने वाली छोटी सी मशीन जिससे आप गन्ने को जड़ से काटते हुए एक साइड में फेंक सकते हैं। और दोस्तों किसानों का काम आसान करने के लिए ये मशीन बहुत ही कमाल की है। और दोस्तों ऐसे ही हम आपको गन्ने की एक ऐसी मशीन दिखाने वाले हैं जिसने गन्ने के क्षेत्र में क्रांति ला दी। दोस्तों ये शुगर केन हार्वेस्टर का एक बड़ा मॉडल है जो कि गन्ने को खेत से काटकर एक लाइन में फेंककर साफ गन्ने को मशीन में ले लेता है और फिर मशीन गन्ने के छोटे छोटे पीस करके गन्ने के साइड में चलने वाली ट्रॉली में डालती चली जाती है। और ये मशीन आपके खेत से गन्ने को इतनी सफाई से काटती है कि आप खेत को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ग्रेस हार्वेस्टर दोस्तों ये है हरी घास काटने की मशीन। ये देखिए ये मशीन चने को काटते हुए उसका घास बनाकर ट्रॉली में कितनी तेजी से भरती हुई जा रही है। कौन गिरो ये मशीन ट्रैक्टर की पूरी से घूमती हुई अपने लोहे के सिंक वाली पंखुड़ी से खेत में पहले से कटे हुए घास को खेत में से साफ करती हुई एक लाइन में लगाती चली जाती है जिसे बाद में आसानी से उठाया जा सकता है। मुघंकोंग मशीनरी इस मशीन में प्लास्टिक के कपड़े की तीन पाइप होते हैं। इन बड़े बड़े पाइप के द्वारा खेत में खड़ी बड़े फ्रूट्स के पेड़ों में बड़ी तेजी से स्प्रे किया जाता है। इस मशीन से बड़ी आसानी से पेड़ों की तीन साइड स्प्रे कर सकते हैं और ये मशीन कई दिनों का काम कुछ ही घंटों में पूरा कर देती है। ट्वी ऑर्चर्ड इक्विपमेंट ये मशीन पेड़ों पर से फ्रूट्स चुटकियों में झाड़कर तोड़ देती है। ये मशीन पेड़ को ऐसे हिलाती है मानो भूकंप आ गया हो और सारे पेड़ पर लगे फल इस मशीन में गिरकर इस मशीन की ट्रॉली में चले जाते हैं और इस तरह से पेड़ पर लगे फल मिनटों में टूट जाते हैं। स्प्रे ड्रोन आपने स्प्रे करने की साधारण मशीनें तो देखी होंगी लेकिन ये रोबोटिक स्प्रे ड्रोन आपके खेत में कुछ ही मिनटों में स्प्रे कर देता है। इस रोबोटिक स्प्रे ड्रोन की हवा पर प्रेशर इतना तेज होता है कि स्प्रे का असर खेतों की जड़ों तक जाता है और ये रोबोटिक स्प्रे 3 किलोमीटर की रेंज तक काम करता है। अर्जली फ्रूट्स हार्वेस्टर दोस्तों इस मशीन में बड़े बड़े कटोरे लगे होते हैं जिसमें मजदूर बड़े बड़े खरबूजे को तोड़कर रखते रहते हैं और ये मशीन उन खरबूजे को बड़ी आसानी से ट्रक तक पहुंचा देती है। और ये मशीन खरबूजे ही नहीं बल्कि तरबूज जैसे फलों के लिए भी काम में आती है। बड़े से बड़ा तरबूज भी इस तरह तोड़कर ट्रक में भर दिया जाता है। और दोस्तों इस मशीन का दूसरा मॉडल भी आता है जिसमें कटोरी ना होकर एक छोटी बेल्ट होती है जिसमें फ्रूट्स को रखकर ट्रक में भर दिया जाता है। और हाँ दोस्तों बड़ी बड़ी सब्जी जैसे गोभी को भी इसी तरह तोड़कर इस मशीन के द्वारा ट्रक में भरा जाता है। अब बात करते हैं स्नेक्स मशीन की। दोस्तों ये मशीन खेत में पड़ी हुई घास के ढेरों को उठाकर उसे पन्नी से लपेटकर पैक करने का काम करती है। और ये मशीन घास को पैक करने के बाद उसे नीचे रख देती है और ऐसा करने से घास जल्दी खराब नहीं होता। घास रोल हार्वेस्टर दोस्तों ये खेत से घास को मिट्टी और जड़ समेत उठाकर घास को मिट्टी के साथ रोल कर देती है और ये एक रोल बना देती है। ऐसे मशीन उगाया हुआ सारा घास खेत से उठा लेती है और बाद में ये मशीन इस घास को किसी भी दूसरी जगह ले जाकर बिछा देती है। और दोस्तों ऐसे में लोगों का घास उगाने का टाइम बच जाता है और ये लोग मिट्टी और जड़ समेत घास को खरीद कर फील्ड में लगवा लेते हैं। तो दोस्तों इन मशीनों में से आपको कौन सी मशीन सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें